धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में दीपावली का पहला दिन है। यह हिंदी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कृष्ण पक्ष अंधेरे पखवाड़े 13वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी, जिन्हें धनतेरस पर भी पूजा जाता है, उन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है, जिन्होंने इंसानों की भलाई के लिए रोग की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दिया। भारतीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की और इसे पहली बार 28 अक्टूबर 2016 में मनाया गया था। वसु बरस दिवाली त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। वसु बरस में गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। वैदिक संस्कृति में गाय का बहुत ही पवित्र स्थान है। गौ माता, गाय माता के रूप में संदर्भित, उनकी पूजा की जाती है और उनका पालन पोषण अत्यंत सम्मान के साथ किया जाता है। वसु बरस के बाद आता है धनतेरस। यह धनतेरस भगवान धन्वंतरी की पूजा है। हिंदू परंपराओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय उभरे, एक हाथ में अमृत से भरा कलश लिए और दूसरे हाथ में आयुर्वेद का पवित्र पाठ था, इसलिए उन्हें देवताओं का वैद्य भी माना जाता है। हिंदू इसे नई खरीदारी करने का सबसे शुभ दिन समझते हैं, इसलिए इस दिन सोने या चांदी की कोई वस्तु और बर्तन सबसे ज्यादा विशेष रूप से खरीदे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि धन या कोई भी कीमती वस्तु सौभाग्य का संकेत होती है और इस दिन कई राज्यों में तो झाड़ू को खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जिसकी वजह से इस दिन भगवान यमराज की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एक राजा थे, उनके पुत्र की कुंडली में भविष्यवाणी थी कि उनके शादी के चौथे दिन उन्हें सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। सांप को लुभाने के लिए प्रवेश द्वार पर बहुत सारे आभूषण सिक्के रखे गए और जिसकी वजह से देवता जो सांप के वेश में आए थे, उन आभूषणों की चमक से उन्हें अंधा कर दिया गया, जिसकी वजह से वो राजकुमार के कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाए और कल सुबह वह वहां से चुपचाप चले गए और इस तरह राजकुमार की जान बच गई। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी के बारे में एक और बहुत दिलचस्प और लोकप्रिय कहानी है। बोला जाता है कि भगवान धन्वंतरी, जो कि देवताओं के चिकित्सक हैं, वो जब विष्णु यानी भगवान विष्णु के रूप में समुद्र से निकले थे, जिसके बारे में माना जाता है कि उस दिन देवताओं और राक्षसों में मंथन हुआ था, तब से धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और हिंदुओं के त्योहारों में से कुछ बड़े त्योहारों में से एक भी माना जाता है। इस दिन रात को मृत्यु के देवता यानी यमराज की पूजा की जाती है और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की जाती है। दिवाली से ठीक पहले घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई होती है और बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए घर में दीपक जलाए जाते हैं। देवी लक्ष्मी की दिव्य कृपा आपको भरपूर भाग्य प्रदान करे, आपके घर में धन बरसे और आप सभी खुश रहें। मेरी ओर से आप लोगों को शुभ धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।